दोस्तों बिग बॉस सीजन 15 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर रश्मि देसाई करण कुंद्रा को तेजस्वी के खिलाफ भड़काते हुए दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल दोस्तों आज सुबह से ही घर के अंदर खाने के मुद्दे को लेकर बुरी तरीके से झगड़ा हो रहा है और इस झगड़े के बीच में रश्मि देसाई करण कुंद्रा के पास आकर कहती है कि अब तू ही बता मैं करूँ तो करूँ क्या, किसको जाकर खाने की शिकायत करूँ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इस समय खाने की ड्यूटी प्रतीक निशांत और तेजस्वी के बीच में बांटी गई है, जो कि अपने हिसाब से सुबह दोपहर और शाम का खाना तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर रश्मि देसाई का मुद्दा यह है कि अगर सुबह का ब्रेकफास्ट जैसे प्रतीक बना रहा है या फिर तेजा बना रही है या फिर निशांत बना रही है और उनकी वजह से कोई गलती होती है तो फिर वो जाकर शिकायत किसको करे, यानी कि अगर खाने में लेट सेट होता है तो ये चीज की शिकायत वो तीनों में से करे तो किसको करे। जिसके बाद दोस्तों करण ने अपनी तरफ से राय देते हुए कहा कि तुम खाने की शिकायत उसी से कर सकती हो जो कि जिस समय काम कर रहा है, यानी कि अगर प्रतीक उस समय खाना बना रहा है तो तुम जाकर प्रतीक से शिकायत करो, निशांत बना रहा है तो निशांत करो, और तेजा बना रही है और उसके खाने में कोई दिक्कत है, उसकी सर्विस में कोई खराबी है तो फिर आप जाकर उसको शिकायत कर सकते हो। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर प्रतीक इस बात पर अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि अगर खाने में किसी एक की गलती है तो फिर आप तीनों को लड़िए, यानी कि तीनों को सजा दे सकते हो और तीनों से बात कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक इस झगड़े में कोई भी कंटेस्टेंट इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है कि किस तरीके से इस झगड़े को शांत किया जाए और खत्म किया जाए। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, किचन ड्यूटीज को लेकर शुरू हुआ यह झगड़ा आज खत्म होगा भी या नहीं, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। बिग बॉस से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।